बाजू कर सदैव आज ऐतिहासिक दिन है कि हमारे आदिवासी समाज ने ये 2 दिवसीय सामाजिक प्रबोधन का कार्यक्रम रखा। आज उसका प्रारंभ दिन है, पहला दिन है और कल भी ये कार्यक्रम होगा। आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं जनगणना को लेकर, जो एक बड़ा सवाल आज आदिवासियों के सामने खड़ा हुआ है, हर 10 साल बाद जनगणना होती है लेकिन आदिवासी अलग अलग प्रांत में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो इनका भी एक धर्म कोड कॉलम होना चाहिए ताकि वे अपने धर्म को उस कॉलम में लिख सके, ताकि उस धर्म को भी आने वाले दिनों में रिकॉग्नाइजेशन मिल सके, पहचान मिल सके, आइडेंटिटी मिल सके। इस संदर्भ में पूरे देश भर में ये एक लड़ाई चल रही है। आज मैं इसी संदर्भ में आपके सामने बात रखूंगा और कल जो है संविधान की जो 5वीं एवं 6वीं अनुसूची है और जो NRC है उसके ऊपर मैं कल अपनी बात रखूंगा। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं ताकि उस बात को ध्यान में रखकर मेरी बात आप लोगों ने सुननी चाहिए। मैं किसी धर्म का प्रचारक नहीं हूं, पहली बात, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि मैं किसी धर्म का प्रचारक हूं और किसी धर्म की बात आप लोगों के सामने करूंगा। मैं किसी धर्म का प्रचारक नहीं हूं। लोहारा जी मुझे जानते हैं, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने ये कार्यक्रम के बारे में मुझे बताया और मेरा बिजी शेड्यूल था, फिर भी हम लोगों ने ये 2 दिन आप लोगों के लिए रिजर्व रखे। तो मैं किसी धर्म का प्रचारक नहीं हूं। मैं किस चीज का प्रचारक हूं? तो जो इस देश में समता, स्वतंत्रता और न्याय और बंधुत्व पर आधारित जो समाज और राष्ट्र का निर्माण करने का जो अभियान पूरे देश भर में चल रहा है, हम उसके प्रचारक हैं। जो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित जो समाज और राष्ट्र का निर्माण करने का जो अभियान पूरे देश भर में चल रहा है, उसका मैं प्रचारक हूं। इसका मतलब क्षमता नहीं है, समता नहीं है, इसका मतलब विषमता है। दूसरा, स्वतंत्र लोग नहीं है हम लोग। अगर स्वतंत्रता होती तो हमारी हजारों समस्या नहीं होती। समस्या उस समाज की होती है जो समाज गुलाम होता है, क्योंकि आजाद लोगों की कोई समस्या नहीं होती। इटली के एंटोनी ग्राम्सीस कहते हैं कि जिस समाज की समस्या होती है वो समाज गुलाम होता है। अगर हमारी हजारों समस्या है तो इसका मतलब हम गुलाम लोग हैं। तो स्वतंत्रता, तो ये आजादी आंदोलन का मामला है। हमारे समाज के ऊपर तथाकथित आजादी में अन्याय और अत्याचार हो रहा है,
तो न्याय की लड़ाई लड़ने का अभियान है। और हजारों सालों से जिस समाज को जंगल की ओर खदेड़ दिया, जो शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, दूर संचार साधनों से हजारों सालों से जो वंचित रहा, जिनके बुद्धि का अभी तक विकास नहीं हुआ, जिनका ज्ञान का अभी तक विकास नहीं हुआ, जानकारी के जितने भी स्रोत दुनिया में हैं, उन स्रोत से जिनको दूर रखा गया, वो आदिवासी समाज। हम लोग उस समाज में बंधुभाव निर्माण करना चाहते हैं। अलगीकरण की, सेग्रीगेशन की जो भावना है, उसको हम लोग खत्म करना चाहते हैं। इसलिए बंधुत्व, बंधुभाव निर्माण करना चाहते। तो इस अभियान का मैं प्रचारक हूं, इसीलिए इस बात को ध्यान में रखकर मेरी बातों को आप लोगों को सुनना होगा, समझना होगा इस बात को, तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आएगी। साथियों, देश में कोरोना महामारी है, दुनिया ने वैश्विक महामारी घोषित की और भारत में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। देश बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, बहुत ही संकट में गुजर रहा है, और ऐसे परिस्थिति में, ऐसे लॉकडाउन में 19-20 जून को लॉकडाउन में ही 19 और 20 जून को छत्तीसगढ़ में आरएसएस ने एक चिंतन शिविर लिया। आरएसएस तो मालूम होगा आपको, जो हमारे धर्म कोड कॉलम का विरोध कर रहा है, उन्होंने चिंतन शिविर लिया छत्तीसगढ़ में। और उस चिंतन शिविर में कहा कि आने वाली जनगणना में आदिवासियों को हिंदू लिखने के लिए मजबूर किया जाए। यह पहला स्टेटमेंट आरएसएस का, हिंदू लिखने के लिए मजबूर किया जाए। इसका अर्थ होता है कि आदिवासी हिंदू लिखना नहीं चाहते, बट उनको मजबूर किया जाए, हिंदू लिखने के लिए मजबूर किया जाए। दूसरी बात, इसी बात को ध्यान रखते हुए जो हमारे लोग कांग्रेस और बीजेपी को अलग मानते हैं, उस कांग्रेस और बीजेपी ने प्लान बनाया, दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, और छत्तीसगढ़ में राम गमन, वन गमन, राम पथ यात्रा निकाली छत्तीसगढ़ में। बहुत खास बात बता रहा हूं। आरएसएस ने क्या कहा कि हम आदिवासियों को आने वाले जनगणना में हिंदू लिखने के लिए मजबूर करेंगे, उसके लिए आदिवासियों में प्रचार प्रसार करेंगे, उसके लिए आरएसएस के प्रचारक गांव गांव भेजेंगे ताकि आदिवासी हिंदू लिखे। और ये करने के लिए छत्तीसगढ़ में वनगमन राम पथ यात्रा निकाली कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है। सरकार को 5 साल भी नहीं हुआ तो लॉकडाउन के दरमियान ही कांग्रेस की सरकार बदल दी, दोनों ने मिलकर, और उसमें आरएसएस के लोगों का बहुत बड़ा रोल था उस पथ यात्रा का। उद्देश्य क्या था जानते हो? वो पथयात्रा गांव गांव से निकली, गांव गांव में जाकर आदिवासियों को जगाया और कहा कि ये वनगमन राम पथयात्रा हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि राम इधर से ही गए हैं। जैसे राम उस गली से जा रहे थे और भारत के आरएसएस, कांग्रेस, बीजेपी के लोग देख रहे थे कि कौन से गली से गया, इधर से ही गए, और उनको हिंदू बनाने का अभियान लॉकडाउन के दरमियान उन्होंने शुरू किया। उसके बाद में आरएसएस का जो हेडक्वार्टर नागपुर में है, महाराष्ट्र,
उस नागपुर में आदिवासी कौन है, मूल निवासी है, हिंदू है कि आदिवासी है, इसका सेमिनार आरएसएस ने लिया और वो सेमिनार का ट्रेनिंग दिया जोशी ने। अब जोशी ये जाति से ब्राह्मण, उसने ट्रेनिंग दिया। तो मुझे नागपुर से टेलीफोन आया, मैं तब आपके बंगाल में ही हूं, 11 दिसंबर से आपका बंगाल घूम रहा हूं, तो मुझे टेलीफोन आया, बोले गेड़ाम साहब ये नागपुर में आदिवासी कौन है इसका ट्रेनिंग चल रहा है और कह रहे हैं कि ये मूल निवासी है कि आदिवासी है कि हिंदू है। जो बातें आपको बताई जा रही बहुत ही गंभीर बातें हैं। दुश्मन प्रतिदिन हमारे विरोध में षड्यंत्र कर रहा है, लेकिन हमारे समाज के लोग उतने गंभीर नहीं है जितनी गंभीर हम लोग रहना चाहिए। साथियों, ये जो षड्यंत्र पूरे देश भर में किया जा रहा है, तो आखिरकार आदिवासियों को आने वाले जनगणना में हिंदू लिखने के लिए वो मजबूर क्यों कर रहे हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, हिंदू लिखने से हमारा क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तीसरा सवाल, फिर हम लोग ही अलग आदिवासियों के लिए धर्म कोड कॉलम की मांग क्यों कर रहे हैं। अगर अलग धर्म कोड कॉलम मिलेगा तो हमें क्या फायदा होगा। ये सारी बातों के ऊपर आप लोगों को आज मैं विस्तार से जानकारी देना चाहता हूं, लेकिन ये बात समझने के पहले भारत की व्यवस्था को समझना आपको बहुत जरूरी है। अगर भारत की व्यवस्था को अगर आप जानेंगे समझेंगे, तो जो षड्यंत्र देश भर में चल रहा है वो षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है और कौन कर रहा है, ये आप लोगों को समझ में आएगा, तब आप लोग कुछ चिंतन कर सकते हो, कुछ निर्णय ले सकते हो। साथियों, जागरूक व्यक्ति उसे ही कहते हैं जिनको दोस्त और दुश्मन की पहचान हो। जागृति का पहला सबक, जागृति का पहला सिद्धांत, आप शिक्षित हो सकते हो, जागरूक तो जरूरी नहीं है। आप शिक्षित का मतलब आपको एकेडमिक एजुकेशन मिला होगा, आप डॉक्टर वकील इंजीनियर हो सकते हो, आप आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस अधिकारी हो सकते हो, आप आईआईटी आईएम के स्टूडेंट हो सकते हो, हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के स्टूडेंट हो सकते हो, आपको फॉरेन एजुकेशन मिल सकता है या लिए होंगे आप लोगों ने, आप कोई किसी डिपार्टमेंट में अधिकारी हो सकते हो, यह है शिक्षित, जागृत नहीं। जागृति का पहला सिद्धांत है दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। अगर दुश्मन की पहचान नहीं होगी तो लड़ाई आपस में होगी। जागृति का पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, दोस्त की पहचान होनी चाहिए कि भाई हमारे दोस्त लोग कौन है, दुश्मन कौन है, दूसरा दोस्त कौन है। तीसरा, जिनके विरोध में लड़ाई लड़ना चाहते हो उनकी ताकत और कमजोरी का एहसास होना चाहिए, नहीं तो पत्थर को सिर मारोगे तो नुकसान पत्थर का नहीं होगा, सिर का होगा। पत्थर को सिर मारोगे तो नुकसान पत्थर का नहीं होगा, सिर का होगा। तो सिर फूटने वाला कार्यक्रम करने में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए जिस दुश्मन के विरोध में लड़ाई लड़ना चाहते हो, कितना मजबूत है, उनकी संख्या कितनी है, वो मजबूत कितना है, ताकतवर कितना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। चौथा, दोस्त की यानी खुद की ताकत और कमजोरी का एहसास होना चाहिए कि हमारी ताकत कितनी है, हमारी क्या कमजोरी है, हमारे समाज की क्या ताकत है और हमारे समाज की क्या कमजोरी है। और पांचवा, जागृति का सिद्धांत बता रहा हूं, और पांचवा, खुद को खुद का इतिहास मालूम होना चाहिए। हमारे समाज के लोगों को दुनिया का ज्ञान होता है,
अमेरिका में क्या चल रहा है इधर चर्चा करेंगे, यानी चौराहे पर चर्चा करेंगे, दिल्ली में क्या चल रहा है चौराहे पर चर्चा करेंगे। क्या समाज के इतिहास के बारे में हमारे समाज के लोगों को जानकारी है? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि जो कौम अपना भविष्य निर्माण करना चाहती है उस कौम को इतिहास जानना जरूरी है। जो कौम मतलब जो समाज अपना इतिहास निर्माण, जो समाज अपना भविष्य निर्माण करना चाहता है उस समाज को इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। अगर इतिहास से हमने सबक नहीं सिखाया तो इतिहास सबक सिखाएगा। अगर हमें अगर हमारा इतिहास अगर मालूम नहीं कि हम कौन लोग थे, अगर ये मालूम नहीं और इतिहास में हमारे साथ क्या धोखाधड़ी हुई, किन लोगों ने धोखाधड़ी की, अगर इसकी जानकारी अगर हमारे पास नहीं होगी तो जरूर हम लोग ये भी पीढ़ी में हम लोग धोखा खाने लायक ही रहेंगे, धोखे से निकलने लायक नहीं बन सकते। तो इसलिए खुद का इतिहास मालूम होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, तो फिर आरएसएस वाले राम मंदिर का मुद्दा क्यों उखाड़ते हैं, वो भी तो गड़े मुर्दे हैं। मामला समझ में आ रहा है? लेकिन वो हमको कहते हैं गड़े मुर्दे क्या उखाड़ना है भाई। अरे तो भाई आप क्यों उखाड़ रहे हो, आप बंद कर दो हम भी बंद कर देंगे। इतिहास इतना महत्वपूर्ण है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मैं देश भर घूमता हूं, करीबन 32 स्टेट में 32 राज्य में मेरे कार्यक्रम हुए, अभी तक करीबन 314 जिले में कार्यक्रम मेरे हुए। लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों ने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, एक जो डिसिप्लिन, एक जो अनुशासन जो आप लोगों में दिखाई दे रहा है, ये आने वाले पीढ़ी के लिए, इतिहास आने वाले पीढ़ी के लिए ये प्रेरणा बन सकता है जो मुझे यहां पर चीज दिखाई दी। साथियों, जो आदिवासियों को आने वाली जनगणना में अलग धर्म कोड कॉलम की जो मांग चल रही है और जिस प्रकार से दुश्मन षड्यंत्र कर रहा है, इसको जानने के लिए हम लोगों को इस देश की व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। जिस व्यवस्था ने ये समस्या निर्माण की है, हजारों साल पहले यानी तथागत बुद्धा के भी पहले, आर्य भारत में आने के भी पहले, आदिवासियों के एक महान नेता थे जिनका नाम था पारिक उपारलिंगो, जिन्होंने गण व्यवस्था का निर्माण किया था, एक आदिवासियों का महान नेता। आप महाराष्ट्र कभी जाओगे तो गोंदिया जिला नाम का एक प्लेस है, कचारगढ़ नाम आप लोगों ने सुना होगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड के बहुत सारे आदिवासी कचारगढ़ जाते हैं और साल भर में एक बार मेला भरता है। साथियों, पारिक उपारलिंगो ने गण व्यवस्था की निर्माण की थी। गण व्यवस्था ये एक व्यवस्था थी, धर्म नहीं था, एक सिस्टम थी, देश को चलाने की यंत्रणा थी। क्योंकि तब पार्लियामेंट नहीं था, जुडिशरी नहीं थी, मतलब विधेयपालिका नहीं था, न्यायपालिका नहीं था, कार्यपालिका नहीं था, प्रचार प्रसार माध्यम नहीं थी, तो देश को कैसे चलाया जाए, उस सभ्यता का विकास आदिवासियों ने किया, उस संस्कृति का विकास आदिवासियों ने किया, गण व्यवस्था। और गण व्यवस्था में समता थी, स्वतंत्रता थी, न्याय था, बंधुत्व था, ये गण व्यवस्था थी। और जब ये गण व्यवस्था चल रही थी, कोई गुलाम नहीं था, कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, घर को दरवाजे भी नहीं थे, चोरी भी नहीं होती थी। यह गण व्यवस्था का इतिहास है। और यह गण व्यवस्था का निर्माण ही इस देश में आदिवासियों ने किया।
और खास बात आप लोगों को बता दूं, उस गण व्यवस्था में जाति नहीं थी, जाति व्यवस्था नहीं थी गण व्यवस्था में। गण व्यवस्था में टोटम थे, गण थे, ये संताल जाति नहीं है, गण है। मुंडा जाति नहीं है, गण है। गोंड जाति नहीं है, गण है, टोटम है। जो बातें आपको बताई जा रही वो हजारों साल पहले हमारे टोटम गण जाति में कन्वर्ट हुए। इसलिए आदिवासियों में जाति नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब, जाति है शेड्यूल कास्ट में। बहुत खास बात बता रहा हूं, हमारी इसमें जाति नहीं है, हमारी इसमें टोटम है, गण है। उस गण को वर्तमान में जाति में कन्वर्ट कर दिया। तो प्राचीन काल में गण व्यवस्था थी, गण व्यवस्था में जाति नहीं थी। और जब यह समतावादी गण व्यवस्था चल रही थी तो भारत में आर्यों का आक्रमण हुआ। आगमन नहीं, आक्रमण। इतिहास में पढ़ाया गया आर्यों का आगमन हुआ। जैसे कि हमारे आदिवासी भाई बॉर्डर पर हार वो क्या बोलते स्वागत के लिए खड़े ही थे, आओ। इतिहास में लिखा आर्यों का आगमन, आगमन नहीं था, आक्रमण था। और जब आर्य भारत में आए तो आर्यों ने देखा कि यहां की जो गण व्यवस्था है ये गण व्यवस्था समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित है। और विशेष रूप से गण व्यवस्था में महिला प्रधान थी और मातृसत्ताक पद्धति थी और महिलाएं देश चलाती थी। आज भी संस्कृति हमारे आदिवासी समाज में है, आज भी है वो संस्कृति, आज भी आदिवासी समाज में है। महिलाओं को प्रधान माना जाता है, आज भी वो संस्कृति है। उस काल में मातृसत्ताक पद्धति थी, महिला प्रधान थी। तो आर्यों ने छल कपट से गण व्यवस्था को खत्म किया और वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। चार वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण को 100% अधिकार, शिक्षा देना, शिक्षा लेना, संपत्ति रखना, शस्त्र रखना, 100% रिजर्वेशन। जो क्षत्रिय था उसको 80% रिजर्वेशन। शिक्षा लेना, देना नहीं, देने का निकाल दिया, लेना। संपत्ति रखना, शस्त्र रखना। वैश्यों को 60% रिजर्वेशन, शिक्षा लेना और संपत्ति रखना, उसके भी दो अधिकार निकाल दिए। लेकिन जो शूद्र था, शूद्र को एक तो भी अधिकार देना चाहिए था, शूद्र को 1% भी अधिकार नहीं था। बहुत खास बात बता रहा हूं, 1% भी अधिकार नहीं था। वर्ण व्यवस्था में हम सब लोगों को शूद्र बनाया गया, ये आर्यों ने बनाया, और हमको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं। और जो मातृसत्ताक पद्धति थी, जो महिला प्रधान थी, देश चलाती थी, उस मातृसत्ताक पद्धति को खत्म किया और पितृसत्ताक पद्धति का निर्माण किया। आज भारत की महिला दोहरी गुलाम है, एक पुरुषों की गुलाम है और दूसरी इस व्यवस्था की गुलाम है। जब छोटी होती है तो मां बाप के नियंत्रण में होती है, बड़ी होती है तो भाई के नियंत्रण में होती है, शादी हो जाती है तो पति के नियंत्रण में होती है, जब बूढ़ी हो जाती है तो बच्चे के नियंत्रण में होती है। कहां आजाद है आज दोहरी गुलाम महिला।
ये वर्ण व्यवस्था जब आर्यों ने निर्माण की तो इस वर्ण व्यवस्था का जिन्होंने विरोध किया उनको गांव के बाहर रहना पड़ा। इस वर्ण व्यवस्था का जिन्होंने विरोध किया उनको गांव के बाहर रहना पड़ा, तो उनके साथ अछूत का व्यवहार किया गया। ये अछूत लोग है, विरोध किया इन्होंने, ये अछूत लोग है जो जंगल की ओर चले गए। इस व्यवस्था का जिन्होंने चेहरा भी देखना पसंद नहीं किया और जंगल की ओर चले गए और अपनी कला सभ्यता संस्कृति को बचा कर रखे, बरकरार रखे, उनको आदिवासी कहा गया। तीसरे भाई ने सोचा, एक ने विरोध किया तो गांव के बाहर रखा रहना पड़ा, उनके साथ अछूत का व्यवहार हुआ। दूसरे ने विरोध किया तो जंगल की ओर चला गया, अगर मैं भी विरोध करूंगा तो न जाने मुझे भी कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, इसलिए वो गांव में ही रहना पसंद किया। उसको हम लोग ओबीसी कहते, पिछड़ा वर्ग। इसलिए जो वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये शूद्र है ओबीसी, एससी एसटी शूद्र नहीं है, ये भी भ्रम निकाल दो। बहुत सारे लोगों को यह भी वर्ण व्यवस्था समझ में नहीं आती, ये भी समझ में नहीं आती। एससी एसटी वर्ण बाह्य लोग है, बाहर के लोग है, वर्ण व्यवस्था में एससी एसटी नहीं है, बायकास्ट, उसको शब्द प्रयोग है बायकास्ट, वर्ण बाह्य लोग। अब मैं आप लोगों को सवाल पूछना चाहता हूं, वर्ण व्यवस्था ऐसी खड़ी है, ऐसी आड़ी नहीं है, ऐसी खड़ी वर्ण व्यवस्था है, ऐसी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने गांधी जी को सवाल पूछा कि मिस्टर गांधी जी, आप खड़ी वर्ण व्यवस्था को मानते हैं या आड़ी वर्ण व्यवस्था को मानते हैं? तो गांधी जी बैरिस्टर थे, ऊपर से गुजरात के बनिया थे, तो बनिया जो होता है वो ज्यादा होशियार होता है। बाबा साहब अंबेडकर ग्रेजुएट बैरिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ग्रेजुएट बैरिस्टर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ग्रेजुएट बैरिस्टर थे। गांधी जी कितने पढ़े थे जानते हो? कितने पढ़े थे? मैट्रिक, वो भी मैट्रिक में 5 बार फेल। बहुत सारे लोगों को यह जानकारी नहीं है, गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर, ऊपर से गुजरात के बनिया। बनिया का काम होता है बनाना, बनाना मतलब ये केला नहीं, बनाना, बेवकूफ बनाना। तो गांधी जी को सवाल पूछा, बाबा साहब ने, मिस्टर गांधी जी आप कौन सी वर्ण व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं, खड़ी वर्ण व्यवस्था या आड़ी वर्ण व्यवस्था? तो गांधी जी को लगा कि अगर मैं कहूँ खड़ी वर्ण व्यवस्था तो बाबा साहब पूछेंगे का मतलब गांधी जी आप अहिंसा की बात करते हो, आप महात्मा की बात करते हो और आप ये ऊंच नीचता पर विश्वास रखते हो। तो गांधी जी ने सोचा कि अगर मैं खड़ी जवाब दूंगा तो ये ऐसा मुझे पूछेगा। अगर गांधी जी कहते कि आड़ी वर्ण व्यवस्था पर विश्वास है तो बाबा साहब कहते भारत में तो आड़ी वर्ण व्यवस्था तो है ही नहीं, वो तो खड़ी वर्ण व्यवस्था है। तो गांधी जी ने कहा बाबा साहब को कि मिस्टर आंबेडकर, मैं आड़ी या खड़ी वर्ण व्यवस्था पर झमेले में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं वर्ण व्यवस्था पर विश्वास रखता हूं, जिनको आप महात्मा कहते हो। अब ये वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसी वर्ण व्यवस्था है। अब एक सवाल पूछता हूं, मान लीजिए अगर ये वर्ण व्यवस्था संथालों ने बनाई होती तो क्या होता? संथाल अपने आप को पैर के नीचे रखता है? मैं कुछ पूछ रहा हूं, अगर ये वर्ण व्यवस्था संथालों ने बनाई होती तो संथाल सबसे ऊपर होते ना, है? अगर ये वर्ण व्यवस्था मुंडा ने बनाई होती तो मुंडा सबसे ऊपर होते।
अगर यह वर्ण व्यवस्था मुसलमानों ने बनाई होती तो मुसलमान सबसे ऊपर होते। अगर यह वर्ण व्यवस्था नमो शूद्राय ने बनाई होती, राजवंशी ने बनाई होती, पोंडो ने बनाई होती, बावरी ने बनाई होती, बागदी ने बनाई होती, तो वो सबसे ऊपर होते। जो बनाएगा वही ना ऊपर रहेगा, जो बनाएगा वही ना ऊपर रहेगा, वो अपने आप को तो नीचे रखेगा नहीं। अगर ये ऐसी वर्ण व्यवस्था भारत में बनाई, इसका मतलब ये वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई, इसलिए ब्राह्मण सबसे ऊपर और उसके नीचे सब। ब्राह्मणों ने कहा ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मणों ने कहा ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ होता है। गाय की और ब्राह्मण की, गाय गाय ही कहते हैं बंगाली में, गाय गाय की और ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण भगवान होता है। व्यवस्था समझना होगा तब ये धर्म कोड कॉलम समझ में आएगा कि ये मामला क्या है, ये चक्कर क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग। इसलिए बैकग्राउंड समझा रहा हूं। तो हमें बताया गया ब्राह्मण भगवान होते हैं, ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ने धर्म ग्रंथ में लिखा ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठ होता है। तो तथागत बुद्ध को जब यह सवाल एक ब्राह्मण ने पूछा कि ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ होता है, तो तथागत बुद्धा ने कहा, क्या कहा, कि अगर ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ होता है तो मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। नंबर एक सवाल, क्या ब्राह्मणों के घर में महिला होती है? तो बोले हां। अच्छा, शूद्र अतिशूद्र जो है उनके भी घर में महिला होती है? तो बोले हां। अच्छा, ब्राह्मणों की घर की महिला प्रेग्नेंट होती है? तो बोले हां। अच्छा, शूद्र अतिशूद्र के घर की भी महिला प्रेग्नेंट होती है? तो बोले हां। अच्छा, ब्राह्मण की घर की जो महिला है वो 9 महीने 9 दिन के बाद बच्चा पैदा करती है? तो बोले हां। अच्छा, शूद्र अतिशूद्र की घर की जो महिला है वो भी 9 महीने 9 दिन के बाद बच्चा जन्म देती है? तो बोले हां। अच्छा, ब्राह्मणों के घर में बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया और शूद्र अतिशूद्र के घर में जन्म देने की, बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया एक है या अलग है? तो ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, एक ही है। तो जब प्रक्रिया एक है तो ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ कैसे है? मामला समझ में आ रहा है? जब प्रक्रिया ही एक है, इस सृष्टि में जो भी इंसान जन्म लेता है उसकी प्रक्रिया ही एक है, चाहे वो ब्राह्मणों की घर की महिला हो, चाहे वो शूद्र अतिशूद्र की घर की महिला हो, या मुसलमानों के घर की महिला हो, अगर प्रक्रिया एक है तो ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ कैसे? इसका अर्थ यह होता है वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। अगर भगवान ने बनाई होती तो किसी को ऊपर और किसी को नीचे भगवान नहीं रखता, क्योंकि भगवान जो होते वो समतावादी होते, विषमतावादी काम वो कर नहीं सकते। तो ये भगवान ने नहीं बनाई, सिद्ध हुआ ये ब्राह्मणों ने बनाई। साथियों, जब वर्ण व्यवस्था का विरोध जिन्होंने किया उनको गांव के बाहर रहना पड़ा, दूसरे भाई ने विरोध किया जंगल की ओर चले गए, और तीसरे भाई ने सोचा गांव के अंदर ही रहना चाहिए, वो शूद्र बन गए जो वर्तमान के ओबीसी है। और जब ये वर्ण व्यवस्था 2500 साल भारत में प्रस्तावित हुई, उसके बाद में तथागत बुद्ध का जन्म हुआ। उसके बाद में तथागत बुद्धा ने 2500 साल की वर्ण व्यवस्था 45 साल में खत्म की। जब 2500 साल की वर्ण व्यवस्था 45 साल में खत्म की, तो खत्म करने के पहले और बुद्धा सामाजिक आंदोलन चलाने के पहले सारनाथ में बुद्धा के साथ में पारिकुपार लिंगों के विचारों के बुद्ध काल के प्रचारक,
पारिक उपार लिंगों के विचारों के बुद्ध काल के दो प्रचारक आदिवासी अलाम और कलाम, दो प्रचारक वो बुद्धा को मिले और बुद्धा को उन्होंने समझाया कि पारिक उपार लिंगों की गण व्यवस्था थी, समता स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व पर आधारित देश में चल रही थी और इस गण व्यवस्था को आर्यों ने आक्रमण करके छल कपट से खत्म किया। ये जप बुद्धा को पारिक उपार लिंगों के दो प्रचारक बुद्ध काल के, शब्द प्रयोग ध्यान में रखिए बुद्ध काल के, क्योंकि बुद्धा के भी हजारों साल पहले पारिक उपार लिंगों का मामला है। जैसे मैं बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का प्रचारक हूं, जैसे मैं क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जी के विचारों का प्रचारक हूं, तंटा भील के विचारों का प्रचारक हूं, रानी दुर्गावती मरावी के विचारों का प्रचारक हूं, लेकिन वो तो जिंदा नहीं है ना, है क्या जिंदा नहीं है, मैं उनका प्रचारक हूं अभी का। उसी प्रकार से पारिक उपार लिंगों के दो प्रचारक बुद्ध काल में बुद्धा को मिले और उन्होंने ये बातें बुद्धा को बताई कि आर्यों ने गण व्यवस्था खत्म की, बुद्ध काल में भी जाति व्यवस्था नहीं थी। ये कहां से बता रहा हूं, इसका रेफरेंस मुझे देना होगा, किताब का नाम है बुद्ध एंड इस धम्मा, पढ़ लो, प्रस्तावना में ही अलाम कलाम का उल्लेख लिखा हुआ है। दूसरी किताब मूल निवासी आदिवासियों का सांस्कृतिक इतिहास, तीसरी किताब मनसराम कुमरे ने लिखी है किताब, तीसरी किताब आदिवासी के बहुत बुद्धिजीवी राइटर होकर गए जिनका नाम है वेंकटेश आत्राम, नाम अगर सुना होगा आप लोगों ने कभी, अभी वो जीवित नहीं है, वेंकटेश आत्राम, जयपाल मुंडा जी के कार्यकाल के वेंकटेश आत्राम थे। तो उन्होंने किताब लिखी गोंडी संस्कृति के संदर्भ, उस किताब में ये बातें लिखी हुई है जो बातें आपको बता रहा हूं। मैं कोई भी चीज हवा में नहीं बताऊंगा, उसका डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। शुरुआती दौर में जो आरएसएस की कहानी बताई, ये उसका डॉक्यूमेंट्स है, कहां पर मीटिंग हुई, क्या क्या बातें हुई, ये लेकर चलता हूं। चलता ही नहीं, ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू है, हजारों लोग देख रहे होंगे, आप यहां पर तो देख रहे हैं, हजारों लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कार्यक्रम MN बांग्ला टीवी पर। जो भी बात कहूंगा डॉक्यूमेंट्री करूंगा, काल्पनिक कोई भी बात नहीं बताऊंगा, और मेरे पास की कोई नहीं बताऊंगा, जो तथ्य है वो बताऊंगा। इसलिए मैंने कहा मैं प्रचारक हूं, एक विचारधारा का प्रचारक हूं, प्रचार कर रहा हूं, मेरा काम है समाज को जगाना, दूसरा कोई काम धंधा ही नहीं है। बीवी संभालना, बच्चे संभालना, मां बाप संभालना, ये कोई काम धंधा हमने रखा ही नहीं हमारे पास, यही काम। तो बुद्ध विज्ञानवादी थे, तर्कवादी थे, उन्होंने सोचा कि आप जो बातें कह रहे हो, अलाम कलाम को कहा, आप जो बातें कह रहे हो ये बातें सही है या गलत है, जब तक मैं भारत भ्रमण नहीं करूंगा तब तक मैं इस बात को मानने वाला नहीं हूं। और जब बुद्धा भारत भ्रमण किए तो बुद्धा को यह बात समझ में आई कि अलाम कलाम ने जो बातें बताई थी वो सच बात है, लेकिन अलाम और कलाम की बुद्ध के साथ दोबारा मुलाकात हुई नहीं। अगर अलाम और कलाम की बुद्ध के साथ अगर मुलाकात होती तो मैं 200% कहता बुद्धा को बुद्धिज्म निर्माण करने की जरूरत नहीं होती। तो जो आदिवासियों का महान नेता पारिक उपार लिंगो था, शायद उनके विचारों पर मैकेनिज्म निर्माण करते और इस देश में फिर से गण व्यवस्था का निर्माण होता और बुद्धा को नया धम्म या नया धर्म निर्माण करने की जरूरत नहीं होती। ये कहानी बताने के लिए आपको ये बातें बताई। जो आज बौद्ध धर्म है वो निर्माण करने की बुद्धा को जरूरत नहीं होती, लेकिन वो दो प्रचारक बाद में मिले नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जो बातें आपको बताई जा रही, 2500 साल की वर्ण व्यवस्था बुद्धा ने 45 साल में खत्म की। आप धर्म कोड कॉलम कॉलम की मांग कर रहे हो, अपने धर्म की मांग कर रहे हो, तो नागसेन राजा ने बुद्धा को सवाल पूछा, सीखने लायक है बात।
हमारे समाज के हर व्यक्ति को सीखने लायक बात है। नागसेन राजा ने बुद्धा को सवाल पूछा कि किसी धर्म का पतन कब होता है, कोई धर्म समाप्त कब होता है, कोई धर्म खत्म कब होता है। तो उसके दो जवाब दिए तथागत बुद्धा ने, सीखने के लिए बता रहा हूं। अगर हम धर्म कोड कालम की मांग कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि आदिवासियों का कोई एक अलग धर्म हो या अलग कॉलम हो, तो कैसे होगा? तो जवाब इतिहास में। तो नागसेन राजा ने बुद्धा को पूछा किसी धर्म का पतन कब होता है, तो बुद्धा ने जवाब दिया, नंबर एक, एक तो वो मूलतः धम्म कच्चा हो, एक तो वो धम्म ही कच्चा हो, इस वजह से वो खत्म हो जाता है। और दूसरा जवाब दिया, अगर उस धम्म के प्रचारक ना हो तो वो धम्म खत्म हो जाता है। आप अगर आदिवासियों का धर्म प्रस्तापित करना चाहते हो, वो विचार प्रस्तापित करना चाहते हो, अगर आपके प्रचारक अगर ना हो तो आपका विचार कितना भी बहुमूल्य हो तो भी वो प्रस्तापित नहीं होगा। वो विचार को प्रस्तापित करने के लिए प्रचारकों की जरूरत है। इतना गंभीर मामला है, बहुत खास बात, ये भाषणबाजी नहीं है, ये कुछ चीजें मैं समझा रहा हूं और समझाने के लिए बार बार आने वाला नहीं हूं। 36 राज्य है, 700 के आसपास जिला है, 6000 के आसपास तहसील है, 60,000 के आसपास भारत में ब्लॉक है और 7,20,000 गांव है। तो अकेला आदमी किधर किधर जाएगा? तो समझाने के लिए तो बार बार नहीं आएगा, इसीलिए हर चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये भाषण नहीं दे रहा हूं, समझा रहा हूं, बता रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं। जो विचार हम लोग प्रस्तावित करना चाहते हो उसके प्रचारक होना बहुत जरूरी है। अगर प्रचारक ना हो तो आपका विचार कितना भी अच्छा हो वो आप प्रस्तापित नहीं कर सकते। आज जो बातें आप यहां पर जानोगे, अगर उस बातों का प्रचार नहीं करोगे तो वो बातें आपके दिमाग में रहेगी, उससे बाहर अगर नहीं जाएगी तो दूसरों को जानकारी नहीं होगी, और दूसरों को जानकारी नहीं होगी तो आपके दिमाग में एक दिन रहेगी, फिर एक साल रहेगी, दो साल रहेगी, तीन साल रहेगी। एक आधी लोहे को पानी में रख दो, जंग लग जाएगा तो इधर भी लग जाएगा, और फिर ये जंग खायला तबेला बन जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं। जो बातें आप लोगों को बताई जा रही, इस बुद्धा के आंदोलन की वजह से हमारे समाज में राजा पैदा हुए, सम्राट अशोक, बुद्ध काल में जाति नहीं थी, सम्राट अशोक के भी कार्यकाल में जाति नहीं थी। सम्राट अशोक के कार्यकाल में भी जाति नहीं थी। बुद्धा के आंदोलन की वजह से जो लोग जंगल की ओर गए थे वो गांव में आ गए थे, जो गांव के बाहर थे वो भी गांव के अंदर आ गए थे, और इस देश में नगर रचना का निर्माण हुआ था। इस देश में नगर रचना का निर्माण हुआ था, नागरी व्यवस्था का निर्माण हुआ था, और नगर रचना में हम लोग जो थे एक ही वंश के लोग थे, हड़प्पा संस्कृति आप लोगों ने पढ़ी होगी, नगर रचना थी, बड़े बड़े महल मिले। नगर रचना मतलब सिविलाइजेशन था। जो आज के जो शहर आप लोग देख रहे हो उस वक्त नगर रचना थी। आंदोलन की वजह से हमारे समाज में राजे पैदा हुए। जो लोग जंगल की ओर चले गए थे वो गांव में आ गए, वो नगर में आ गए, ये व्यवस्था का निर्माण हुआ। इसलिए तो हमारे समाज में राजे निर्माण हुए, आदिवासियों में राजे निर्माण हुए। जब मौर्य साम्राज्य का निर्माण हुआ सम्राट अशोक, और उस मौर्य साम्राज्य का 10वां सम्राट बृहद्रथ, और जब बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की, जो सेनापति था मौर्य साम्राज्य में,
उसने हत्या की और फिर पुष्यमित्र शुंग ने जाति व्यवस्था का निर्माण किया। दुनिया में कहीं पर भी जाति नहीं है, भारत में जाति है, अमेरिका में जाति नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, ब्राजील में जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है, दुनिया में किसी भी देश में जाति नहीं है, भारत में जाति है। जाति निर्माण की ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणों ने प्रचार किया, जाति भगवान ने बनाई। तो हमने ब्राह्मणों को सवाल पूछा, अगर जाति भगवान ने बनाई तो भगवान को इंग्लैंड में पैदा होने के लिए कोई तकलीफ थी क्या? है कोई तकलीफ थी? अगर जाति भगवान ने अगर बनाई तो विदेशों में जाति नहीं है, भारत में जाति है। तो फिर भगवान को विदेश में पैदा होने के लिए कोई तकलीफ थी? कोई तकलीफ नहीं थी। अगर विदेश में जाति नहीं, भारत में जाति है, इसका मतलब जाति भगवान ने नहीं बनाई। तो ब्राह्मणों का झूठ पकड़ा गया। तो ब्राह्मणों ने दूसरा प्रचार किया, जाति कर्म से बनी। कर्म का मतलब होता है जो कार्य हम करते उसे कहते कर्म। जो चमड़े का काम करता है, चमड़े का काम करना ये कर्म है। तो ब्राह्मणों ने कहा वो चमार है। क्या कहा? कर्म से जाति बनी। पहले कहा भगवान ने जाति बनी तो हम पीछे लग गए। भाई कैसी बनी बताओ, ज्यादा बुद्धिमान होते पंडित, तो मैं भी आदिवासी हूं, तो मुझे बताओ, समझा। मैं अनपढ़ आदिवासी थोड़ी हूं, पीजी का स्टूडेंट हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हूं। अनपढ़ होता तो बात अलग है, हाँ को हाँ मिला लेता। ये तो ब्राह्मणों को लगा ये प्रेम कुमार गेड़ाम तो पढ़ा लिखा आदिवासी है, थोड़ा ज्ञानी दिख रहा है। तो नहीं नहीं नहीं, कर्म से जाति बनी। अच्छा, कर्म से बनी जाति। तो जो चमड़े का काम करता है उसको चमार कहा गया, जो कपड़े धोने का काम करता है उसको धोबी कहा गया, जो कपड़े सिलाने का काम करता है उसको दर्जी कहा गया, जो कपड़े जो मटके बनाने का काम करता है उसको कुंभार या प्रजापति कहा गया। ऐसा प्रचार ब्राह्मणों ने किया कि कर्म से जाति बनी। तो फिर हम और पीछे लग गए, बोला कर्म से जाति कैसे बनी बता। अमेरिका में भी चमड़े का काम करने वाले लोग हैं, चमड़े की चप्पल पहनने वाले लोग हैं, जूते पहनने वाले लोग हैं, बेचने वाले लोग हैं, चमार नाम की जाति नहीं है। अमेरिका में भी कपड़े धोने वाले लोग हैं, धोबी नाम की जाति नहीं है। अमेरिका में भी कपड़े सिलाने वाले लोग हैं, पहनने वाले लोग हैं, थोड़े कम पहनते होंगे लेकिन पहनते तो है, दो वहां पे दर्जी नाम की जाति नहीं। अमेरिका में भी मटके बनाने वाले लोग हैं, मटके में पानी पीने वाले लोग हैं, मटके बेचने वाले लोग हैं आज भी, लेकिन अमेरिका में भी कुंभार या प्रजापति नाम की जाति नहीं है। तो फिर हमने ब्राह्मणों को कहा कि पंडित जी आप कह रहे हैं कर्म से जाति बनी, तो दुनिया में भी कर्म होता है, तो कर्म के आधार पर दुनिया में जाति नहीं बनी, फिर भारत में कैसे बनी? तो पंडित ने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब जाति भगवान ने भी नहीं बनाई और जाति कर्म से भी नहीं बनी, जाति बनाई ब्राह्मणों ने, उनके फायदे के लिए जाति बनाई। जो बातें आपको बताई जा रही, अभी क्या फायदा था वो आगे आएगा। तो जाति किन में होती है? इंसानों में जाति नहीं होती, दो ही जाति है, नर और मादी। फिर जाति काय में होती है? तो जाति होती है जानवरों में। नंबर एक घोड़ा, गधा, सुअर, खच्चर, कुत्ता, बकरा, ये जो नाम मैंने लिया बहुत सारे नाम है, हाथी है, बहुत सारे है, इनको कहते हैं जानवर। क्या कहते हैं? एक ही शब्द जानवर, जानवर ही कहते हैं ना, है? गधे को तो इंसान नहीं कहते, जानवर ही कहते, हाँ जानवर। अब जानवरों में क्या जाति है? ये जानवर, ये घोड़ा, तो घोड़े के घर में घोड़ा पैदा होता है, जाति समझा रहा। गधे के घर में गधा ही होता है,
सुअर के घर में सुअर पैदा होता है, खच्चर के घर में खच्चर पैदा होता है, कुत्ते के घर में कुत्ता पैदा होता है, बकरी के घर में बकरी बकरा यही पैदा होता है ना, जानवरों में जाती है। ये इंसान ब्राह्मण इनके भी घर में इंसान पैदा होता है, क्षत्रियों के घर में भी इंसान पैदा होता है, वैश्यों के घर में भी इंसान पैदा होता है, शूद्र के घर में भी इंसान पैदा होता है, अतिशूद्र के घर में भी इंसान पैदा होता है, आदिवासी ओबीसी शेड्यूल कास्ट मुसलमान इनके भी घर में इंसान ही पैदा होता है। लेकिन इधर घोड़े के घर में घोड़ा, गधे के घर में गधा, सुअर के घर में सुअर, खच्चर के घर में खच्चर, जानवरों में जाति होती है, इंसानों में जाति नहीं होती, लेकिन जानवरों सरी का जाति इंसानों में निर्माण कर दी। मैंने कहा पारिक उपार लिंगों के कार्यकाल में जाति नहीं थी, फिर मैंने समझाया बुद्ध काल में जाति नहीं थी, फिर मैंने समझाया सम्राट अशोक के कार्यकाल में जाति नहीं थी, यानी प्राचीन काल में जाति नहीं थी। जाति कब बनाई, तो पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने जब मौर्य साम्राज्य का दसवां सम्राट बृहद्रथ की हत्या की तब उसने जाति बनाई। जानवरों के आकार से प्रकार से आवाज से आप पहचानते हो या नहीं किस जाति का जानवर हो, पहचानते हो या नहीं? मैं आदिवासी हूं, जंगलों का ही हूं, मेरा भी गांव नेशनल पार्क में ही है, मैं जानता हूं आकार से प्रकार से आवाज से पहचान लेते हैं कि यह किस जाति का जानवर है। इतना ही नहीं, जानवरों के टट्टी से पता चलता है कि यह किस जानवर की टट्टी है, पता चलती है नहीं? चलो उलट कर दो थोड़ा, इंसानों के टट्टी से कोई बताएगा ये संताल की है, मुंडा की है, सरदार की है, है? चमार की है, लोहार की है, कुंभार की है, नमोशूद्राय की है, और नाम ले लूं, कोई बताएगा? कोई बताएगा? जाति जानवरों में होती है, जाति इंसानों में निर्माण कर दी, और इंसानों में एक जाति निर्माण नहीं की बल्कि भारत में 6743 जातियां बनाई। आदिवासियों में 850 जातियां है, शेड्यूल कास्ट में 1700 जातियां है, ऑल इंडिया की बात बता रहा हूं, ओबीसी में मंडल आयोग के अनुसार 3743 जातियां है, जैन लोग जो है उनमें 234 जातियां हैं, और कुछ जातियां जो एससी एसटी ओबीसी से धर्म परिवर्तन किए और जो सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान बन गए उनमें जातियां चली गई। मोगल विदेशी थे, मुसलमान विदेशी नहीं है, सिख विदेशी नहीं है, ईसाई विदेशी नहीं है, बुद्धिस्ट विदेशी नहीं है, ये तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने धर्म परिवर्तन किया और सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान बन गए। क्यों बन गए? जिस ब्राह्मण धर्म में ऊंच नीचता होगी तो वो धर्म में क्यों रहेंगे? हैं? जिस ब्राह्मण धर्म में ऊंच नीचता होगी वो धर्म में क्यों रहेंगे? तो इसीलिए समानतावादी जो जो धर्म दिखे वो धर्म हमारे लोगों ने स्वीकारे। बहुत सारे आदिवासी क्रिश्चियन बन गए तो उनको विदेशी कहोगे, बहुत सारे आदिवासी मुसलमान बन गए तो उनको विदेशी कहोगे? बन गए मुसलमान बहुत सारे आदिवासी। महाराष्ट्र में खानदेश नाम का एरिया है, तड़वी नाम की आदिवासी जाति है जो आज भी मुसलमान है। इंदिरा गांधी का नाम सुना होगा, उसके दो अंगरक्षक थे सतवंत सिंह बेल सिंह, जिन्होंने AK-47 से इंदिरा गांधी को खत्म कर दिया, जानकारी तो होगी। वो सतवंत सिंह बेल सिंह सिख थे, सिख जानते हो कौन से थे? एक चमार से सिख बना था, एक भंगी से सिख बना था। ये तो हमारे लोग हैं जो एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान बन गए।
लेकिन ब्राह्मणों ने हमको बताया मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, ब्राह्मणों ने हमको बताया कि मुसलमान विदेशी है। तो मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था बनाई क्या? मुसलमानों ने जाति व्यवस्था बनाई? मुसलमानों ने अछूत पैदा किया क्या? मुसलमानों ने स्त्री दास्ता लाई क्या? मुसलमानों ने आदिवासियों को जंगल की ओर खदेड़ा क्या? मुसलमानों ने पांचवी छठवीं अनुसूची लागू नहीं होनी चाहिए इसलिए आंदोलन किया क्या? मुसलमानों ने आरक्षण खत्म किया क्या? मुसलमानों ने इस देश में प्राइवेटाइजेशन लाया क्या? मुसलमानों ने नौकरियां समाप्त की? इन सारे सवाल, मेरे पास तो हजारों सवाल है, इन हजारों सवालों के जवाब नहीं है तो मुसलमान कैसे दुश्मन? लेकिन आरएसएस के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, बंदर दल, बंदर दल जानते हो? बजरंग दल, अकल तो है नहीं, उन्होंने हमारे दिमाग में डाला मुसलमान दुश्मन है। हम सारे काम छोड़ गए, मुसलमानों के पीछे लग गए। वो उधर राज करते हैं, इधर हम झगड़े करते हैं। इसलिए कहा दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। समस्या किसने निर्माण की, क्यों निर्माण की, क्या मंशा है, क्या षड्यंत्र है? मुसलमान हमारा दुश्मन है, ऐसा एक उदाहरण मेरे पास लाकर दे दो ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद। चलो मैं तुम्हारी बात को मानता हूं, एक उदाहरण इस कारण की वजह से ये दुश्मन है। आप कहेंगे आतंकवाद है ही नहीं, भारत में जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए आरएसएस के लोगों ने किए, असीमानंद चाटर्जी, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित जोशी कुलकर्णी जब पकड़े गए तो असीमानंद चाटर्जी ने हाईकोर्ट में कन्फेक्शन लिख कर दिया कि उसने 21 जगह बॉम्ब ब्लास्ट किए, मालेगांव में, नांदेड़ में, दिल्ली में, अजमेर में। असीमानंद चाटर्जी किसी को लगता है बहुत बड़ा संत आदमी, अरे ब्राह्मण है भाई। भारत में फटाका भी फूट जाए तो टीवी पर मुसलमानों का चेहरा आ जाता है। बोलते अगर मुसलमानों को नहीं रोका तो भारत इस्लामिक इंडिया बन जाएगा। कैसे बनेगा भाई इस्लामिक इंडिया? बोले सबका सुनता हो जाएगी। कैसे होगी भाई? हाँ कैसे होगी? मुगलों ने 650 साल राज किया तो भारत मुस्लिम हो गया क्या? है मुगलों ने 650 साल राज किया भारत के ऊपर तो भारत मुस्लिम हो गया, भारत इस्लामिक इंडिया हो गया, सबकी सुनता हो गई? 650 साल राज किया तब नहीं हुआ, अब होगा? 20% मुसलमान तो पाकिस्तान बांग्लादेश चले गए, अभी सिर्फ 10% मुसलमान भारत में बचे हुए हैं, तो अब करने वाले हैं? लेकिन आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग हमारे ये दिमाग चौपट करते हैं मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, ताकि ब्राह्मणों के विरोध में भी इस देश में कोई विद्रोह खड़ा ना हो। जो बातें आपको बताई जा रही, बीमारी का रूट कॉज मालूम होना चाहिए। डॉक्टर तभी इलाज करता है बीमारी का जब बीमारी का कारण डॉक्टर को पता हो। जब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको पूछता है, क्या पूछता है जानते? क्या हुआ? सर्दी हुई। कितने दिन? 3 दिन से। अच्छा खांसी भी है? हाँ हाँ। अच्छा बुखार भी है? हाँ हाँ। तो कोरोना की टेस्ट करनी पड़ेगी, डायग्नोसिस, कोरोना की टेस्ट, डायग्नोसिस। और जब टेस्ट की आर्टिफिशियल, तो टेस्ट में अगर पॉजिटिव निकला तो 21 दिनों के लिए आइसोलेशन। ये कब पता चला? रिपोर्ट बाहर आई तब पता चला ना। डॉक्टर तो खुदा तो है नहीं, डॉक्टर तो भगवान तो है नहीं। रिपोर्ट बाहर आई कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तब उसको पता चला कि इसको कोरोना है या नहीं। कोई भी डॉक्टर बीमारी का इलाज तभी करता है जब उसको बीमारी का कारण पता चले। अगर हमारी हजारों समस्या है या हमारी अगर धर्म कोड कॉलम की समस्या है, तो भाई किसने हमको धर्म कोड कॉलम से वंचित रखा? थोड़ा गर्म पानी चाहिए। जो बातें आपको बताई जा रही, तो ये जो जाति जो व्यवस्था है, ये जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई,
और आदिवासियों में 850 जातियों का निर्माण किया। जो गणत है हमारे समाज में वो गणत जाति में कन्वर्ट कर दिए। ये परिस्थितियां भारत में है। अब कोई सरना धर्म को मानता है, कोई कोया पुनेम को मानता है, बात बता रहा हूं, कोई मुंडा है, कोई सरदार है, कोई गोंडी धर्म को मानते हैं, अलग अलग धर्म को लोग मानते हैं, और हम लोग जो है धर्म कोड कॉलम की मांग कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं किसी धर्म का प्रचारक नहीं हूं। अगर मैं किसी धर्म का प्रचारक रहूं तो मैं सभी धर्म के लोगों को कैसा समझाऊं, और मेरी क्यों सुनेंगे वो, क्योंकि मैं तो किसी धर्म का प्रचारक रहूंगा। तो इसलिए मैं किसी धर्म का प्रचारक नहीं हूं, इसलिए नहीं हूं। भारत में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग धर्म को लोग मानने वाले, इसलिए धर्म कोड कॉलम का समर्थक हूं। समर्थक ही नहीं, सहभाग भी हुई इस लड़ाई में कि धर्म कोड कॉलम होना चाहिए ताकि आदिवासी जिस धर्म को मानता है वो उसमें लिख सके। हम किसी को जबरदस्ती नहीं करेंगे, यही धर्म लिखो, लेकिन हिंदू ना लिखे, इसलिए मेरा प्रयास है। हिंदू धर्म ये हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म ये ब्राह्मण धर्म है, और ब्राह्मण धर्म धर्म ही नहीं है, ये तो मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म है, जो वर्ण व्यवस्था पर, जाति व्यवस्था पर आधारित है। जाति व्यवस्था तो बनाई 6743 जाति, लेकिन उसमें भी ग्रेडेड इनइक्वालिटी यानी क्रमिक असमानता बनाई। क्रमिक असमानता से क्या हुआ जानते? दुनिया में जानवर छूने लायक था, लेकिन भारत में इंसान अछूत था। दुनिया में जानवर छूने लायक था, भारत में इंसान अछूत था। उच्च नीचता का भाव निर्माण किया। हर जाति को लगता है उसके नीचे एक जाति है। हर जाति को, संथाल को लगता है उसके नीचे एक जाति है, मुंडा को लगता है उसके नीचे एक जाति है, सरदार को लगता है उसके नीचे एक जाति है, भूमिज को लगता है उसके नीचे एक जाति है, गोंड को लगता है उसके नीचे एक जाति है, प्रधान को लगता है उसके नीचे एक जाति है, भील को लगता है उसके नीचे एक जाति है, लेकिन किसी को यह लगता है ब्राह्मण सबसे ऊपर है? है लगता है किसी को? ब्राह्मणों ने कहा, दिया ना भाई, तेरे को भी दिया ना, तेरे भी नीचे है ना जाति। ऊंच नीचता का भाव। इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर की एक किताब पढ़ लेना। ये बैनर पर सिर्फ पोस्टर चिपकाने से काम नहीं चलेगा, इधर कुछ डालना पड़ेगा। मैं जो कह रहा हूं वो बात सच है या झूठ है ये भी जानना पड़ेगा। तो बाबा साहब अंबेडकर ने किताब लिखी, उसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा उन्मूलन। किताब पढ़ लो, जाति व्यवस्था समझ में आ जाएगी। पहली किताब उनके जीवन की, जाति प्रथा उन्मूलन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्रमिक असमानता की वजह से उच्च नीचता का भाव निर्माण हुआ, यह सारा सत्यानाश हुआ। यह है जाति व्यवस्था, जो बातें आपको मैं बता रहा हूं, जिस वजह से हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे। आज संथालों का कार्यक्रम करने जाओ तो मुंडा नहीं आता है। हमारे सामने, मेरे सामने संकट है। अगर मैं पूरे देश भर में अगर आदिवासियों को जगाने का अभियान अगर चला रहा हूं, तो जानते हो हमारे समाज की मानसिकता क्या है? मेरी भी जाति ढूंढने लगेंगे कि ये कौन सी जाति का है। इतने धुंधर लोग हैं हमारे समाज के, समझ में आ रहा है मामला? ये भी जानने लगेंगे कि ये कौन से जाति का है। अरे ये तो गोंड जाति का है, तो अरे ये गोंड है, हमारा तो है ही नहीं। अरे भाई, मैं सभी आदिवासियों का इस देश में आंदोलन चला रहा हूं। जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छी तरीके से मुझे जानते हैं। मैं किसी एक जाति के लिए आंदोलन नहीं चलाता हूं,
मैं किसी एक जाति का कार्यक्रम नहीं लगाता हूं। गोंड जाति कोई कम जाति नहीं, भारत की बहुत बड़ी जाति है। मेरे जाति के लोग भी मुझे बोलते हैं कि हमारे समाज में आप इतने जानकार हो, हमारे समाज में, देखिए शब्द प्रयोग, आप इतने जानकार हो, तो बोलते गोंड के लिए एक संगठन बनाइए ना। तो मैं बोलता हूं गोंड समाज है या जाति है? तो बोलते जाति है। तो समाज क्यों बोल रहा है गोंड समाज? अरे गोंड जाति है भाई, अभी जाति बन गई है। जो हमारा टोटम था वो जाति में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं बोलता हूं मैं गोंड थोड़ी हूं, मैं तो मूल निवासी हूं और सभी मूल निवासियों के जगाने का अभियान चलाता हूं। मैं किसी एक जाति के लिए थोड़ी ना बंधनकारक हूं। जो बातें आपको बताई जा रही है बहुत गंभीर बातें, ये परिस्थिति है भारत की। साथियों, ब्राह्मण मुसलमानों को विदेशी कहता है, हमारे दिमाग को चौपट करता है। क्या आपको मालूम है ब्राह्मण विदेशी है? आपको मालूम है? नहीं मालूम? अब नहीं मालूम तो मुझे पुरावे देने पड़ेंगे। भारत में डच आए, राज किए वापस चले गए। भारत में पोर्तुगीज आए, राज किए वापस चले गए। भारत में फ्रेंच आए, राज्य किए वापस चले गए। भारत में मोगल आए, राज्य किए वापस चले गए। भारत में अंग्रेज आए, राज्य किए वापस चले गए। लेकिन जो 5000 साल पहले आर्य भारत में आए, वो वापस जाने का इतिहास किसी ने पढ़ा है? 5000 साल पहले आए हुए आर्य आज वर्तमान के ब्राह्मण है। पहली किताब पढ़ लो, ब्राह्मण विदेशी है पुरावा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कश्मीरी ब्राह्मण, उसने किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें लिखा ब्राह्मण विदेशी है। दूसरी किताब बाल गंगाधर तिलक ने लिखी, आर्टिक्स होमिंद वेदास, उसमें लिखा ब्राह्मण विदेशी है। गुरु गोलवलकर तीसरी किताब बंच ऑफ थॉट, उसमें लिखा ब्राह्मण विदेशी है। राहुल संस्कृतायन, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के, उन्होंने किताब लिखी वोल्गा टू गंगा, वोल्गा नदी रशिया में है, गंगा भारत में है। रशिया से वो भारत में कैसे आए? किताब लिखी वोल्गा टू गंगा, उसमें लिखा ब्राह्मण विदेशी है। इन सबसे मैं विज्ञान का पुरावा देता हूं साइंटिफिकली। 1996 में अमेरिका में जो उताह विश्वविद्यालय है, वहां पर माइकल बामशाद नाम का एक बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड, वो 1996 में भारत आया। और भारत आने के बाद उसने देखा कि भारत तो 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, फिर भी यहां पर झोपड़पट्टी है, झुग्गी झोपड़ियां है, फिर भी यहां पर गरीबी है, फिर भी लोग भीख मांग रहे हैं ट्रेन में, बस स्टैंड पर, बस अड्डे पर। तो वो हैरान हो गया कि भाई ये आजादी, कौन सी आजादी मिली इन लोगों को? तो उसको जानकारी मिली कि भारत में जाति व्यवस्था है। अब वो पहले से ही बायोटेक्नोलॉजी का हेड था, तो उसने जातियों का डीएनए रिसर्च करने का उसने निर्णय लिया। अब वो था अमेरिका का, उसको लगा अगर मैं अकेला ही रिसर्च करूंगा तो मेरी बात को भारत के लोग नहीं मानेंगे, इसलिए भारत के एक टीम को साथ में लिया। और आंध्र प्रदेश हैदराबाद में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट नाम का एक विभाग है, उस विभाग में डॉक्टर डी सतपाल थे बायोटेक्नोलॉजी के हेड, उनके टीम को साथ में लिया और 1996 में 6743 जातियों का डीएनए रिसर्च करने का काम शुरू हुआ। 4 साल लगे और रिपोर्ट पब्लिश हुआ 21 मई 2001 को। 21 मई 2001 को रिपोर्ट पब्लिश हुआ और वो पेपर था द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये कब रिपोर्ट पब्लिश हुआ? 21 मई 2001 को। अब 2001 को कितने साल हुए? कितने साल? 19 साल, बराबर है। अब 19 साल पहले कौन अंग्रेजी पेपर पढ़ता था? इधर बैठा हुआ थोड़ा हाथ ऊपर करो,
19 साल पहले। कोई पढ़ता था? थोड़ा कैमरा घुमाओ भाई, मैं सवाल पूछ रहा हूं, घुमाओ। हां, मेरा सवाल है, ये 19 साल पहले की न्यूज किसने पढ़ी? नहीं पढ़ी। दूसरा सवाल, 19 साल पहले कौन पढ़ता था ये अंग्रेजी पेपर? हमारा आदिवासी समाज का कोई था पढ़ने वाला? इस पेपर में छापा, हिंदी में क्यों नहीं छापा? बांग्ला में क्यों नहीं छापा? मराठी में क्यों नहीं छापा? अंग्रेजी में छापा। अब 19 साल पहले, आप ही छोड़ो, हम भी अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे, तो आपकी तो बात दूर है, हम ही नहीं पढ़ते थे। जो बातें आपको बताई जा रही बहुत गंभीर बातें, ये पेपर में लिखा हुआ है, अपर कास्ट इंडियंस मेल बिलोंग्स टू यूरेशिया, मतलब भारत के जो भी अपर कास्ट लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये यूरेशिया के हैं। अब डीएनए क्या है? डीएनए एक भाषणबाजी नहीं है, डीएनए एक काल्पनिक कथा नहीं है, डीएनए लैब है, टेस्ट होता है, कोरोना है या नहीं, टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है लैब में, मलेरिया है या नहीं। बहुत खास बात बता रहा, साथियों, ये डीएनए के आधार पर यह बात सिद्ध हुई, डीएनए के आधार पर यह बात साबित हुई। क्या साबित हुई? कि भारत के अपर कास्ट लोग जो है ये विदेशी है और उनका डीएनए हमारे साथ नहीं जुड़ता है। तो माइकल बामशाद ने एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी, इनका डीएनए चेक किया तो हमारा डीएनए 100% जुड़ा। ये सारा रिपोर्ट लेकर घूमता हूं, ये सारा रिपोर्ट है, आपको तो एक पन्ना दिखा रहा हूं, ये सारा रिपोर्ट है अंग्रेजी में। जिनको पढ़ना आता है वो फोटोकॉपी ले ले मोबाइल में और पढ़ ले। और जब माइकल बामशाद के टीम ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का डीएनए जब एससी एसटी ओबीसी के साथ में जब जोड़ा, 1% भी जुड़ा नहीं, और साबित हुआ कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये विदेशी है और उनकी संख्या सिर्फ 3.5% है। कितनी है? अभी आपको समझ में आएगा खेल। अब जिनकी संख्या 3.5% है, अगर 3.5% ब्राह्मण के नाम पर अगर चुनाव लड़ता है तो किसी भी गांव में ग्राम पंचायत का सदस्य बन सकता है संख्या के आधार पर? मामला समझ में आया? अभी आएगा कि ये खेल क्या चल रहा है, ये धर्म का जो मामला उनका चल रहा है ये क्या मामला है, अभी समझ में आएगा। इसलिए बैकग्राउंड बताया ये सारी चीजें, ताकि आपको बीमारी समझ में आए, ताकि आपको हर चीज समझ में आए कि षड्यंत्र क्यों हो रहा है, क्यों हमें हमारा धर्म लिखने नहीं दिया जा रहा है, वो समझ में आएगा। कि ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है और 3.5% ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण के नाम पर चुनाव लड़ेगा तो भारत के किसी भी गांव के ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता, तो देश को कहां से चलाएगा? मामला समझ में आ रहा है? देश को कहां से चलाएगा? आज वो लोग देश चला रहे हैं। क्या राज है? आज वो लोग देश चला रहे हैं। क्या राज है? जब अंग्रेजों का भारत में 150 साल अंग्रेजों ने राज किया, तब अंग्रेज भारत में जाति आधारित गिनती करते थे। मैंने ये किताब लिखी, इस किताब में आज जो भाषण दे रहा हूं उसकी बहुत सारी बातें लिखी हुई है, कल भी जो देने वाला हूं उसकी भी बहुत सारी बातें, ये एनआरसी किताब लिखी। तो 1881 में जब जनगणना हुई थी, 1871 में जब पहली जनगणना हुई थी, तो अदर रिलीजियस में हम लोगों को डाला गया था, फिर 1881 में गिनती हुई तो एबोरिजिनल शब्द दिया गया,
फिर 1891 में गिनती हुई तो फॉरेस्ट ट्राइब शब्द दिया गया। फिर 1901 और 1911 में जब गिनती हुई तो एनिमिस्ट शब्द दिया गया। फिर 1941 में ट्राइब शब्द दिया गया और 1950 में 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब हमको शेड्यूल ट्राइब नाम की पहचान दी गई। बहुत सारे लोग ये भी झगड़ा लगाते हैं कि आदिवासी शब्द क्यों नहीं लिखा, शेड्यूल ट्राइब क्यों लिखा, इसका भी जवाब इस किताब में है। हमारे लोग तो फालतू की चर्चा करना में तो बहुत मास्टर लोग हैं। इधर आदिवासी को मारा जा रहा है, जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है, नक्सलवाद के नाम पर मारा जा रहा है, बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे गांव के गांव जलाए जा रहे हैं, इसकी चिंता नहीं है, बट आदिवासी शब्द क्यों नहीं लिखा, साला झगड़ा शुरू। मामला समझ में आ रहा है? ताकि हम लोग इधर झगड़ते रहे, वो लोग उधर राज करते रहे। 3.5% लोग अगर हमारे ऊपर राज कर रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा राज है। उसमें पहला राज है कि आपस में हम झगड़ते रहे, वो झगड़े लगाते रहे। जैसे बंगाल में एक झगड़ा चल रहा है, संथाल कहता है कि मैं तो आदिवासी नहीं है, मैं तो कहता है कि हम आदिवासी हैं। देना महतो को भी नहीं है, देना संथालों को भी नहीं है, अधिकार देना संथालों को भी नहीं है, अधिकार देना महतो को भी नहीं है। मामला समझ में आ रहा है? देना किसी को नहीं है, बस संथाल और महतो बंगाल में झगड़ते रहे। ये तो हर राज्य में है। उधर महाराष्ट्र में गोंड और माना का झगड़ा है, धनगरों का झगड़ा है, ना धनगरों को दिया ना गोंडों को दिया, तुम झगड़ते रहो। और ये झगड़ा कब होता है? जब चुनाव आता है तो 6 महीने पहले झगड़ा शुरू हो जाता है। चुनाव खत्म होता है, अभी अप्रैल या मई में चुनाव खत्म होगा बंगाल का, झगड़ा खत्म होगा। मामला समझ में आ रहा है? कांग्रेस में भी महत्व है, बीजेपी में भी महत्व है, सीपीआई में भी महत्व है, तृणमूल में भी महत्व है। चलो संथाल भी कांग्रेस में, संथाल भी सीपीआई में, संथाल भी बीजेपी में, संथाल भी टीएमसी में, और समाज झगड़ा कर रहा है। वो बोलता है आप आदिवासी हो, वो बोलता है आप आदिवासी नहीं हो। तो फिर जिनको आप चुन कर देते हैं वो पार्टियों में क्या करते हैं? उधर वो बैठकर बढ़िया बिरयानी खाते हैं, बढ़िया चाय पीते हैं। महतो का नेता संताल का नेता उधर बैठकर बढ़िया बिरयानी खाता है, और इधर समाज में हम झगड़ते रहो। इसलिए मैं मेरे भाषणों में कहता हूं, ये शरीर हमारा है, ये शरीर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा नहीं है। हमने क्या सोचना चाहिए, हमने क्या बोलना चाहिए, हमने क्या पढ़ना चाहिए, हमने क्या देखना चाहिए, वो लोग निर्धारित करते। हमने काम कौन सा करना चाहिए, वो लोग निर्धारित करते। शरीर हमारा है, ऑपरेट कोई और कर रहा है, और यही मुझे खत्म करना है। साथियों, जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है, इतनी गंभीर बातें जो विस्तार से समझाई जा रही, जो षड्यंत्र आप लोगों को समझाया, का 3.5% उनकी संख्या ही 3.5% है। 3.5% ब्राह्मण अगर ब्राह्मण के नाम पर चुनाव लड़ेगा तो भारत के किसी भी ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। देश का प्रधानमंत्री कहां से चुनेगा? लेकिन वो लोग आज देश का प्रधानमंत्री चुन रहे। कांग्रेस भी ब्राह्मणों का दल है। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस बनी, चाटर्जी बैनर्जी मुखर्जी आगरकर गोखले तिलक। आरएसएस भी ब्राह्मणों का दल है। डॉक्टर केशव बड़ीराम हेड़गेवार ने आरएसएस बनाई, जहां पर आपके बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे ब्राह्मण। बीजेपी भी ब्राह्मणों का दल है। बीजेपी किसने बनाई?
अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी 1980 में। बहुत खास बात बता रहा, कम्युनिस्ट भी ब्राह्मणों का दल है, सीपीआई सीपीएम ब्राह्मणों का दल है, टीएमसी ब्राह्मणों का दल है, ममता बनर्जी। बातें समझा रहा हूं। पहले मैंने क्या कहा, 3.5% ब्राह्मण ब्राह्मण के नाम पर चुनाव लड़ेगा तो वो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता, देश का प्रधानमंत्री चुन रहा है, राज कर रहे वो लोग। आखिरकार ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। साथियों, भारत में दो प्रकार की लड़ाई चल रही है, एक है धार्मिक ध्रुवीकरण और दूसरा है सामाजिक ध्रुवीकरण। धार्मिक ध्रुवीकरण से क्या होगा, तो धार्मिक ध्रुवीकरण से हिंदुत्व मजबूत होगा, अगर हिंदुत्व मजबूत हुआ तो ब्राह्मण मजबूत होगा, अगर ब्राह्मण मजबूत हुआ तो हमारी गुलामी दीर्घजीवी होगी। बहुत खास बात, यह एक लड़ाई चल रही है, हिंदुत्व मजबूत होगा धार्मिक ध्रुवीकरण से, अगर हिंदुत्व मजबूत हुआ तो ब्राह्मण मजबूत होगा, ब्राह्मण मजबूत हुआ तो हमारी गुलामी दीर्घजीवी होगी, क्योंकि हिंदू का ठेकेदार ब्राह्मण है, हिंदू का ठेकेदार ब्राह्मण है। हमें इस देश में सामाजिक ध्रुवीकरण का आंदोलन चलाना होगा। सामाजिक ध्रुवीकरण से सामाजिक क्रांति होगी, सामाजिक क्रांति से हजारों समस्या का समाधान होगा, हजारों समस्या से सत्ता में परिवर्तन होगा, सामाजिक क्रांति से हजारों समस्या का समाधान होगा, सामाजिक क्रांति से सत्ता में परिवर्तन होगा, सामाजिक क्रांति से धार्मिक क्रांति होगी, सामाजिक क्रांति से राजनीतिक क्रांति होगी, सामाजिक क्रांति से सांस्कृतिक क्रांति होगी। जितने भी महापुरुष हमारे समाज में पैदा हुए उन्होंने सामाजिक क्रांति का आंदोलन चलाया, सामाजिक क्रांति के बाद में राजनीतिक क्रांति, के बाद में धार्मिक क्रांति, फिर बाद में आर्थिक क्रांति, फिर सांस्कृतिक क्रांति, ये सामाजिक क्रांति से होगा। बहुत खास बात बता रहा साथियों, वो लोग मुसलमानों को टारगेट करते हैं और हम एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाते हैं, लेकिन निशाना मुसलमान नहीं होता, निशाना हम एससी एसटी ओबीसी होते हैं। कितने लोग इस घटना को जानते, वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, जैसे ही मुसलमान टारगेट होता है तो एससी एसटी ओबीसी हिंदू बन जाते हैं, जो हिंदू ही नहीं है, जो हिंदू ही नहीं है, शेड्यूल कास्ट वर्ण व्यवस्था के अनुसार अछूत है, जो अछूत है वो छूने लायक नहीं है, ब्राह्मण सचूत है, तो सचूत और अछूत का धर्म एक नहीं हो सकता, सही कह रहा। दूसरा, ओबीसी हिंदू नहीं है, ओबीसी वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र है, और शूद्र वर्ण व्यवस्था में अधिकार वंचित होते हैं। आपको वर्ण व्यवस्था समझाई, शूद्र को कोई अधिकार था नहीं था, अधिकार वंचित होते, जो अधिकार वंचित होते वो गुलाम होते हैं, गुलामों का और गुलाम बनाने वाले लोगों का धर्म एक नहीं हो सकता। आदिवासी हिंदू नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, आदिवासी हिंदू नहीं है, यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 16 जजमेंट है। मामला समझ में आ रहा है, ये जिन जिन को चाहिए मेरे पास से लेकर जाना, समझे क्या। आदिवासी हिंदू नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट से मौन भागवत बड़ा नहीं है जो आदिवासियों को जबरन हिंदू लिखने का काम करने का प्रयास कर रहा है। अगर ऐसा प्रयास करेगा तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसके विरोध में हम सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। बहुत खास बात बता रहा,
मेरी ये केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में अभी भी है। 2016 में हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आदिवासियों का कस्टमरी लॉ खत्म करने का मामला था, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। मेरे केस का अभी तक रिजल्ट नहीं दिया और ट्रिपल तलाक का जजमेंट दे दिया। मुसलमान पार्टी ही नहीं थी 2016 में, मेरी केस अभी भी आर्गुमेंट पर लाए ही नहीं, लाए ही नहीं और ट्रिपल तलाक का जजमेंट दिया। डॉक्टर मोहन भागवत ये कोई खुदा नहीं है और ना ही संविधान से बड़ा है और ना ही सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। अगर डॉक्टर है तो उसको अक्कल होनी चाहिए। वो अगर आदिवासियों को जबरन अगर हिंदू लिखने का अगर प्रयास कर रहा है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट की अवमानना, और जो कोर्ट की अवमानना करता है उसको 6 महीने की सजा होती है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। जब देश भर में हम लोग ऐसा बोलना शुरू किया तो कल मुझे जानकारी मिली कि अभी जनगणना शायद अगले साल होने की संभावना है, अभी वो पोस्टपोन कर रहे हैं। आप लोग नहीं जानते ना, क्योंकि आप लोग बड़े बड़े लोगों को देखे हुए हैं, लेकिन अपने समाज का कोई आदमी काम कर रहा है तो आपको तो जानकारी है ही नहीं, क्योंकि मुझे टीवी पर दिखाते ही नहीं। जब दिखाते ही नहीं तो आदिवासी का कोई नेता समाज में काम कर रहा है कैसे दिखेगा भाई? अगर ये मोबाइल नहीं होता तो वो भी नहीं दिखता। मामला समझ में आ रहा है? ये मोबाइल है इस वजह से अभी देश भर में हमारे स्पीचेस लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोग उसको जान रहे सुन रहे। ये 16 जजमेंट, आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासियों को शारदा एक्ट लागू नहीं है, आदिवासियों को मैरिज एक्ट लागू नहीं है, आदिवासियों को हिंदू कोड भी लागू नहीं है। चलो ये हो गए 16 जजमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट्स, ये छत्तीसगढ़ शासन ने निकाला हुआ पत्र है। ये पत्र में क्या लिखा हुआ है? प्रति छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय सामान्य प्रशासन विभाग डीके भवन रायपुर छत्तीसगढ़, प्रति शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर, समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़ के समस्त जिला के कलेक्टर को यह पत्र निकाला। राजस्व मंडल जितने भी अध्यक्ष होंगे उन सबको यह पत्र निकाला छत्तीसगढ़ शासन ने। और पत्र में लिखा विषय, छत्तीसगढ़ी जनता को अपना मूल धर्म लिखे जाने बाबत। नीचे लिखा छत्तीसगढ़ के जनता ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, गोंडी धर्म, कबीर धर्म और सनातन धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म को मानने वाले हैं, जिन्हें हिंदू कहा जाता है। हिंदू कहलाने में ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य लोगों को एतराज है। बहुत खास लाइन है, क्योंकि हिंदू धर्म सिर्फ ब्राह्मण धर्म का अनुकरण है एवं हिंदू शब्द का अर्थ फारसी भाषा में, फारसी मतलब जो मोगल भारत में राज किए 650 साल उनकी फारसी भाषा थी, वो फारसी भाषा में हिंदू शब्द का अर्थ होता है चोर डाकू और लुटेरा। अब बनोगे आप चोर डाकू लुटेरा? ये लिखा हुआ है, ये मेरा पत्र नहीं है, ये गवर्नमेंट का लेटर है, ये छत्तीसगढ़ शासन का पत्र है। ये पत्र क्यों निकाला जानते हो? कि आदिवासी अपना मूल धर्म लिखे, इस संदर्भ में ये पत्र है 22/3/2006 का, आज आपके पास पहुंचा। अगर लोहारा जी ने मुझे नहीं बुलाया होता तो आपको ये जानकारी नहीं मिलती, कहीं पर भी नहीं मिलती, किताब में भी नहीं मिलती। जो बातें आपको बताई जा रही, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट कह रही है आदिवासी हिंदू नहीं है, और छत्तीसगढ़ शासन कह रहा है आदिवासी हिंदू नहीं है,
और आरएसएस वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले आदिवासियों को जबरन हिंदू लिखने के लिए कह रहे हैं, अगर आदिवासी हिंदू लिखेगा तो अपनी मूल पहचान खत्म कर देगा। दूसरी बात, बहुत खास बात बता रहा हूं, धर्म जीने का साधन है, धर्म एक जीने का साधन है, धर्म एक डिसिप्लिन है, धर्म एक अनुशासन है। बहुत खास बात आपको बताई जा रही, धर्म एक अनुशासन है, धर्म एक डिसिप्लिन है। आदिवासी कोई भी धर्म लिख सकता है, हिंदू धर्म ये ब्राह्मण धर्म है, ये लिखेंगे तो हमारी पहचान समाप्त होगी। दूसरी बात, धर्म के नाम पर संविधान में कौन से आर्टिकल लिखे हुए हैं बताओ तो, कौन से अधिकार हिंदू धर्म के नाम पर लिखा हुआ है, कौन से अधिकार धर्म के नाम पर लिखा हुआ है, एक है हिंदू धर्म और दूसरा है कोई भी धर्म, कौन सा अधिकार लिखा हुआ है? अधिकार लिखे हुए हैं सोसाइटी के नाम पर, शेड्यूल ट्राइब, 15(4)-16(4) में नौकरी का अधिकार, आर्टिकल 21(335) में शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 330-332 में सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार, आर्टिकल 342 में आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन। धर्म के नाम पर कोई आर्टिकल नहीं है, कोई भी धर्म लिखोगे तो ट्राइबल स्टेटस खत्म होने वाला नहीं है, और ट्राइबल स्टेटस खत्म करने का अधिकार ना भारत के प्रधानमंत्री को है, ना देश के राष्ट्रपति को है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट को है। मामला समझ में आ रहा है? वो लोग जो है ये हॉल 5 बजे तक बुक है क्या? तो वो लोग जो है प्रचार कर रहे हैं। साथियों, अगर हम लोग हिंदू धर्म अगर लिखते हैं तो जो आदिवासी सरना को मानने वाला है, जो आदिवासी कोया पुनेम को मानने वाला है, जो आदिवासी जिस धर्म को मानने वाला है, वो धर्म काउंटिंग में नहीं आएगा, उस धर्म की आइडेंटिटी नहीं होगी, और उस धर्म की आइडेंटिटी नहीं होगी तो वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा। ओडिशा में एक लड़के ने, एक व्यक्ति ने टेलीफोन किया जनगणना अधिकारी को, मेरे पास आज ही आया वो ऑडियो, जनगणना अधिकारी को फोन किया, बोले जनगणना होने वाली है, तो बोले हाँ, तो बोले हम कौन सा धर्म लिखे वहां पे, मैं जिस धर्म को मानता वो दिख नहीं रहा है। तो अधिकारी ने कहा, बोले कौन से धर्म को मानते? तो उन्होंने कहा मैं सरना धर्म को मानता हूँ। अच्छा, तो बोले वहाँ पे हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान है, सरना है ही नहीं। तो अधिकारी ने कहा थोड़ा रुको, मैं ऊपर के अधिकारी से बात करता हूँ। तो उसका होल्ड पर फोन रखा, ऊपर के अधिकारी से बात किया, वो उड़िया में है, मैं जितना समझा उतना बता रहा हूँ, उड़िया मुझे समझ में नहीं आई लेकिन उसका मीनिंग समझ में आए। तो ऊपर के अधिकारी ने कहा कि सरकार ने जिस प्रकार का फॉर्मेट बनाया है वो हमने सर्कुलेट किया है। तो वो लड़का बोल रहा है, बोले अलग धर्म कॉलम तो लिखना चाहिए था ना, ताकि मैं जिस धर्म को मानता हूं वो धर्म उस कॉलम में लिखूं। तो अधिकारी जवाब नहीं दे पाया। साथियों, जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है, अगर हिंदू धर्म लिखते हैं तो आपकी पहचान आप समाप्त करोगे। संविधान में अधिकार 3 चीजों से मिली है, फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, सेकंड है रिकॉग्नाइजेशन, और थर्ड है राइट्स। आइडेंटिफाई किस आधार पर हुआ? तो संविधान में आर्टिकल 342 जब बनी तो आदिवासियों की आइडेंटिफाई की गई कि जो एजुकेशनली बैकवर्ड, जो सोशियली बैकवर्ड, जो जिनमें ट्राइबल ट्रेड के गुण है, जिनमें टेरिटोरियल पोजेशन है, जिनमें डिस्ट्रिक्ट कल्चर है। टेरिटोरियल पोजेशन का मतलब होता है जिनका जमीन के ऊपर हजारों सालों से मालिकाना अधिकार है, सो दैट इज कॉल्ड टेरिटोरियल पोजेशन।
डिस्ट्रिक्ट कल्चरल अन्य लोगों से आदिवासियों की कला सभ्यता संस्कृति भिन्न है, अलग है। हमारा कल्चर शेड्यूल कास्ट का ओबीसी के साथ मेल नहीं खाता है। हमारी सभ्यता शेड्यूल कास्ट ओबीसी के साथ में मेल नहीं खाती है। हम अलग लोग हैं, इसलिए हमारे डिस्ट्रिक्ट कल्चर अलग है। तो संविधान में जो अधिकार मिले वो अधिकार पहले आइडेंटिफाई होता है, फिर रिकॉग्नाइज होता है, देन राइट्स मिलते हैं। और हमारी आदिवासियों की आर्टिकल 342 में ये व्याख्या बनाई गई और इस व्याख्या के आधार पर हमको पहचान मिली शेड्यूल ट्राइब। हिंदू के नाम पर कोई आर्टिकल है? हिंदू के नाम पर कोई राइट्स है? रिजर्वेशन इन एजुकेशन हिंदू के नाम पर है? शिक्षा का अधिकार हिंदू के नाम पर मिला? नौकरी का अधिकार हिंदू के नाम पर मिला? प्रमोशन का अधिकार हिंदू के नाम पर मिला? राजनीति का अधिकार हिंदू के नाम पर मिला? बिल्कुल नहीं मिला। यह मिला शेड्यूल ट्राइब के नाम पर। जब मुसलमानों को काटना होता है, मारना होता है, घर जलाना होता है, तब कहते हैं हम हिंदू है। और जब नौकरी मांगने के लिए आप लोग जाते हो तब कहते हो आदिवासी हो, एससी हो, ओबीसी हो, पिछड़े हो। तब आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछते कि मुसलमानों के साथ भिड़ाते वक्त हमको हिंदू बनाया जाता है और जब अधिकार का समय आता है तो हमको आदिवासी कहा जाता है? तब हम हिंदू नहीं है नौकरी के वक्त है? तब गर्व से कहो, हिंदू का अर्थ चोर लुटेरा डाकू। गर्व से कहो हम चोर है, गर्व से कहो हम डाकू है, गर्व से कहो हम लुटेरे है। साला सालों साल से बोलते आ रहे, अर्थ समझ में नहीं आया। हिंदू ये मोगलों ने दी हुई गाली है, समझे? हिंदू यहां के गुलाम लोगों को मोगलों ने दी हुई गाली है। और ब्राह्मणों के किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है, भगवद गीता में नहीं है, रामायण में नहीं है, पुराण में नहीं है, संस्कृत में नहीं है। कितने लोग जानते हैं इस बात को? महाभारत में नहीं है, किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब 1875 में आर्य समाज का निर्माण किया, आर्य समाज, जो बात आपको बताई जा रही, इसलिए साथियों अगर आदिवासियों को अलग धर्म कोड कॉलम की मांग करनी है तो एक जिला से यह अभियान चलाने से काम नहीं होगा, एक राज्य से अभियान चलाने से काम नहीं होगा। यह अभियान हम लोगों को पूरे देश में चलाना होगा। और देश में अभियान चलाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण करना होगा और यह अभियान 6 लाख गांव में हम लोगों को किसी भी परिस्थिति में पहुंचाना होगा। अलग अलग रहकर अगर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी पिटाई होगी। हम लोग मिलजुल कर अगर लड़ाई लड़ते हैं तो हम लोग पीटने लायक बन सकते हैं। नक्सलवाद के नाम पर, वनवासी के नाम पर, वनवासी के नाम पर आदिवासी की पहचान खत्म की जा रही है। गांधी जी ने गिरिजन का, गिरी का मतलब जंगल होता है, पहाड़ होता है, जंगलों में रहने वाले लोग, पहाड़ में रहने वाले। अरे भाई, जंगल में जानवर रहते हैं, हम इंसान हैं, जंगलों के आसपास थे, जंगलों में नहीं थे। आरएसएस के लोग वनवासी कहते हैं ताकि हमारी मूल पहचान खत्म हो जाए। देश भर में वनवासी कल्याण आश्रम चलाते हैं आरएसएस के लोग। जो खास बात आप लोगों को बताई जा रही, गुजरात के ब्राह्मण बनिया को ठक्कर बापा को गांधी ने हमारे सिर पर बिठाया। पूरे देश भर में आदिवासी का नेता ठक्कर बापा। ठक्कर बापा कौन, किसी को मालूम ही नहीं। वो उधर गुजरात का बनिया ब्राह्मण था। जो बातें आपको बताई जा रही, इसलिए साथियों आज आदिवासियों की हजारों समस्याएं। कल जो मेरा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी बातें, संविधानिक बहुत सारी, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, अधिकार कैसे मिले, ये बहुत सारी बातें जो है मैं कल विस्तार से बताने वाला हूँ। आज भी जो भी बची कुची बातें हैं वो कल बताऊंगा। आज जो बातें बताई वो कल नहीं आएगी, कल दूसरी बातें आएंगी।
विस्तार से बताऊंगा। आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो हम आंदोलन चला रहे हैं हमें एक चीज ध्यान में रखना होगा, आदिवासी बचेगा तब ना धर्म कोड कॉलम की मांग करेगा। मामला समझ में आ रहा है? हम बचेंगे तब ना धर्म लिखने लायक रहेंगे। अगर हम बचेंगे ही नहीं तो धर्म कहां से ऊपर जाकर लिखेंगे आप लोग? हैं? ऊपर ऊपर जाकर लिखेंगे? जिंदा रहेंगे तो लिखेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। आज नक्सलवाद के नाम पर हमको खत्म किया जा रहा है, विस्थापन के नाम पर हमको मारा जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं। हमारी ये भी प्रमुख समस्या है, धर्म कोड कॉलम की लड़ाई लड़ना ये एक ही समस्या नहीं है, ध्यान रखो। मैं लोहारा जी का बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि इस अभियान के अंतर्गत उन्होंने 5वीं 6वीं अनुसूची का भी सब्जेक्ट उन्होंने लिया, ताकि हमारे समाज को जानकारी मिले। वे जिस प्रकार से और जिस दिशा में काम कर रहे हैं, मैं उनको भी एक बात बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई अब हम लोगों को मिलजुल कर लड़ने की ज़रूरत है, समाज को बचाने की ज़रूरत है। समाज बचेगा तो हर प्रकार की लड़ाई हम लोग लड़ सकते हैं, हम बचेंगे तो आर पार की भी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत खास बात। तो ये धर्म कोड कॉलम की जो मांग है, ये किसी जिला या गांव का मामला नहीं है, किसी एक जाति का मामला नहीं है, तो ये समस्त आदिवासियों का मामला है। और भारत में 36 राज्य है, तो सभी राज्य में आदिवासी निवास करते हैं, तो हमें देशव्यापी संगठन और देशव्यापी आंदोलन हमें खड़ा करना होगा, और ये लड़ाई हम लोगों को मिलजुल कर लड़नी होगी। इतना ही संदेश मैं आज के इस सभा में देना चाहता हूँ। आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, आप सभी का धन्यवाद, और आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए आप सबका आभार, धन्यवाद। जय मूल्यवासी, जय भारत।